नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश ऋषि और आप मुझे देख रहे हैं इन 24। देखते रहिए, मजा कीजिए। ऑल द बेस्ट। नमस्कार, मैं हूं गणेश आचार्य, आप देख रहे हैं INN24। प्लीज वॉच एंड एंजॉय। नमस्कार, स्वागत है आपका INN24 पर और आपके साथ मैं हूं मानसी तिवारी। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कहते हैं इंसान के हौसले बुलंद हो तो उसकी मजबूरियां ही उसकी मजबूती बन जाती है। दोनों हाथ का ना होना और पैरों की कमजोरी शायद इस दुनिया के लिए अभिशाप ही है, मगर सरईपाली के पानी गिरहौला का रहने वाला राजकुमार पटेल इसे ही अपनी ताकत मानता है। विधाता ने उसे बचपन से ही उसे दोनों हाथों से महरूम रखा, लेकिन उसका जज्बा उसकी इस कमी से भी ऊंचा और बड़ा था। पूरी रिपोर्ट देखें। महासमुंद के सरायपाली का रहने वाला राजकुमार ने अपनी दिव्यांगता के बावजूद वो सब कर दिखाया है जिसकी कामना शायद एक सामान्य इंसान भी ना कर सके। उसने बिना हाथ और कमजोर पैरों के ही इंजीनियरिंग के इम्तिहान को पास कर लिया है और अब उसका सपना सिविल सेवा को अपनी मंजिल बनाने का है। राजकुमार की कहानी जितनी फिल्मी लगती है उतने ही मर्म से लिपटे उसके संघर्ष के किस्से हैं। देने वाले ने यूं तो राजकुमार को बहुत कुछ नहीं दिया, पर अपने हौसलों से उसने इतना कुछ हासिल कर लिया है कि मानो अब ऊपर वाला भी उसकी मर्जी। मैं बी किया हूं, अभी पीएससी की तैयारी कर रहा हूं और कुछ अधिकारी बनना चाहता हूं। बी करेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं कमजोर हूं? क्या क्या कपड़े थे आपके? मैं कभी नहीं सोचा कि मैं कमजोर हूँ, ऐसा मैं कभी सोचता ही नहीं। मैं यही कहना चाहूँगा कि जिंदगी में हमारी जिंदगी बहुत खूबसूरत है, कभी भी नहीं हार नहीं मानना चाहिए, इसीलिए मतलब मेहनत करते रहना चाहिए और डट के करते रहना चाहिए। आगे क्या होगा इसके बारे में ना सोचकर मेहनत करते रहना चाहिए। लक्ष्य क्या है आपका? मेरा लक्ष्य है कि मतलब पीएससी फाइट करूँ और कुछ अधिकारी बन जाऊँ, और आगे चल के तो बहुत सारे लक्ष्य हैं जिसको पूरा करते करते शायद मेरी जिंदगी। गरीब किसान परिवार में जन्मे राजकुमार के दोनों हाथ पैदा होते ही नहीं थे। इतना ही नहीं, लड़खड़ाते पैरों की वजह से उसे चलने में भी परेशानियां सामने आती थी। शायद ये देखते हुए उसके माँ बाप की खुशी निराशा में बदल गई। उनकी आंखों के सामने वो चुनौतियां झलक रही थी जिसे पार करने में एक आम आदमी के पसीने भी छूट जाते हैं। तो बैशाखी के सहारे राजकुमार को जिंदगी में कितने ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन बड़े होते ही राजकुमार ने कुछ और ही ठान रखा था। उसने अपनी विकलांगता को कभी अपनी बेचारगी बनने नहीं दी और यही वजह है कि आज उसने इंजीनियरिंग के इम्तिहान पास कर लिए हैं। मोर मन है बहुत आनंद है, बहुत खुश है। ये पढ़ लिख दारी तो मोला अब की आनंद लगा से तो कोई कहत नहीं बनती, बहुत प्रकार के मोर मन खुशी है जी। दुनिया में का शिक्षा देना चाहता, बाकी जो विकलांग होमन ला इस टाइप की शिक्षा देना चाहिए, क्या कहना चाहता हूँ दुनिया के आदमी? ऐसे विकलांग व्यक्ति हर पढ़ लिख के आगे बढ़ जाए बहुत अच्छा के बात है। तब अरे उनके तो कोई आखा साखा नहीं है, पढ़ाई लिखाई वेद विद्या हर उनके सारे है कि नहीं? निकल ले तो आगे कुछ कर नहीं सके, काम पुता तो कर सके नहीं भाई। उसके इन्हीं नेक इरादों को उनके माँ बाप ने भी भांप लिया था, यही वजह थी कि उन्होंने भी राजकुमार की परवरिश में कोई कमी नहीं होने दी। राजकुमार के स्वावलंबी हो जाने का सपना संजोए माँ बाप ने अपनी आखिरी उम्मीद के तौर पर अपनी जमीन को बेच दी। राजकुमार एक सफल अफसर बनना चाहता है। अरे पापेरी के धार महानदी है अपार, इंदिरावती हा पखारे तोर पैया, महू पावे परो तोरे भुइया। मैं सबसे पहले तो INN24 को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अपना विचार व्यक्त करने का एक माध्यम यहाँ पर दिया है। तो मैं जी यहाँ इसके जितने भी दर्शक हैं INN24 के, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि जिंदगी में कभी भी किसी भी मोड़ पर हार नहीं मानना चाहिए। जहाँ पर हार दिखाई दे रहा है वहाँ पर डटे रहना चाहिए और उस काम को पूरा करके ही छोड़ना चाहिए। मैं यही सबको यही बताना चाहूँगा, मेरे तो यही ख्याल है और मैं इसी के वो पर अभी तक चल रहा हूँ। थैंक यू। आप मेरे से हाथ मिलाना चाहेंगे, मेरे से गले मिलाना चाहेंगे?
बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आप मुझे भी आपसे एन 24 से नरेश चौहान की रिपोर्ट।